हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर क्वेस्ट। एंड आज के इस इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में आई वेलकम यू ऑल। तो आज 11th ऑफ नवंबर इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली एडिशन का हम एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कौन कौन सी जो है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो आज की जो सबसे पहली न्यूज़ है और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो है कि दिल्ली में जो नेशनल लेवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की जो मीटिंग हुई थी विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान, वो फाइनली जो है कंक्लूड हो गई है। और उसके बाद उस मीटिंग में से जो है एक दिल्ली डिक्लेरेशन निकल के सामने आई है। जो सामने आई है दैट इज़ दिल्ली डिक्लेरेशन। तो इस डिक्लेरेशन पे ये आप समझ सकते हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ जॉइंट स्टेटमेंट जिसमें जितने हमारे पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स थे सब ने जो है साइन किया है। सो इट हैज़ बीन अ वेरी यू कैन से इम्पॉर्टेंट एंड अ वेरी कंक्लूसिव मीटिंग। तो जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स थे सब ने जो है अप्रिशिएट किया इस एफर्ट को। आपको मैं ये भी बता दूँ कि ये जो डायलॉग है, ये जो अफगानिस्तान सिक्योरिटी डायलॉग है, ये कोई डिप्लोमेटिक डायलॉग नहीं है। ये बेसिकली एक सिक्योरिटी डायलॉग है या सिक्योरिटी ट्रैक जिसको एग्जैक्ट टर्म यूज़ की जाती है, वो ट्रैक यूज़ की जाती है। तो ये सिक्योरिटी ट्रैक है, ये कोई डिप्लोमेसी ट्रैक नहीं है। डिप्लोमेसी में आप बैठ के जो है ना रिलेशंस की बात करते हैं, सिक्योरिटी में आप बैठ के हर कंट्री के सिक्योरिटी को रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको डिस्कस करते हैं और विद कंसर्न्ड जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके साथ करते हैं। जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी की बात थी तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने ये जो है आपस में मीटिंग की है। जो डिप्लोमेसी ट्रैक होते हैं उसमें कभी कभी जो हेड ऑफ़ स्टेट या हेड ऑफ़ गवर्नमेंट होते हैं वो होते हैं या कोई अदर डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स होते हैं, उसमें सिक्योरिटी जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर मीटिंग एंड अदर इम्पॉर्टेंट समिट। अब आप जो है इस मीटिंग को G20 के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। G20 ने भी एक स्पेशल सेशन बुलाया था अफगानिस्तान पे, बट यू कैनॉट कंपेयर दैट G20 स्पेशल सेशन ऑन अफगानिस्तान विद द नेशनल सिक्योरिटी लेवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल जो यहाँ पे मीटिंग हुई है उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली डिक्लेरेशन निकल के आई है और दिल्ली डिक्लेरेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जिन पे बात हुई है वो यही है कि एक तो टेररिज्म इनका मेन कंसर्न था। जैसे अगर ईरान की बात करें, तजिकिस्तान की बात करें, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान की बात करें, तो इन कंट्री ने जो अपना मेन कंसर्न दिखाया है वो विद रिस्पेक्ट टू टेररिज्म दिखाया है कि यहाँ पे जो टेररिज्म है वो हमारे कंट्रीज़ के लिए जो है थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। वेरस जो रशिया थे, रशिया ने जो है वो जो इम्पोर्टेंट इशू उठाया, उन्होंने वर्ड एज इट इज़ टेररिज्म तो नहीं यूज़ किया, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो चैलेंजेस हैं और थ्रेट्स हैं, ठीक है, एंड थ्रेट्स फ्रॉम अफगान टेरिटरी, उनकी बात की है कि वो जो हैं वो हमारे लिए थोड़े इम्पॉर्टेंट है और हमें उसके लिए जो है थोड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे। देन उज़्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान ने अगेन वर्ड टेररिज्म नहीं यूज़ किया इन देयर स्टेटमेंट, बट दे सेड कि यस, जो यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है वेदर विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल और ड्रग्स या बाकी जो चीज़ें हैं उन सबको हमें माइंड में रखना ही रखना है। तो यहाँ पे जो एक एफर्ट था या आप कह सकते हैं एक विजन थी कि एक जॉइंट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए डेवलप किया जाए, तो उसकी तरफ जो आप कह सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं था कि यहाँ पे एक जॉइंट स्टेटमेंट आएगी या नहीं आएगी, बट नाउ द जॉइंट स्टेटमेंट इज़ आउट एंड इट हैज़ बीन साइंड बाय ऑल द मेंबर्स। तो इससे पता लगता है कि सबके सब ने जो यहाँ पे मीटिंग हुई है और उसमें जो भी कंक्लूजन निकली हैं तो वो कंसेंसस से निकली हैं, उस पे जो है सारे मेंबर्स अग्री कर रहे हैं, ठीक है। तो इस मीटिंग को चेयर किसने किया था? इस मीटिंग को चेयर किया था इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवाल, कीर्ति चक्र, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, यहाँ पे एक और टॉक्स की बात होती है जब भी अफगानिस्तान से रिलेटेड बात होती है तो वो ट्रोइका टॉक्स है, ठीक है। तो वो हम वीडियो में आगे देखेंगे ये ट्रोइका टॉक्स एक्चुअली है क्या और क्यों इसकी इतनी इम्पोर्टेंट है। एंड बिफोर आई कंक्लूड दिस पर्टिकुलर टॉपिक मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो मीटिंग है ये पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले ये दो बार हो चुकी है 2018 एज वेल एज 2019 में, ठीक है। तो उस टाइम पे दोनों टाइम इसको ईरान ने होस्ट किया था, ठीक है, इट वॉज होस्टेड बाई ईरान।
एंड इन 2020 पेंडेमिक की वजह से ये नहीं हो पाई थी। उस टाइम इंडिया ने कहा था कि हम होस्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन 2021 में इसे होस्ट किया गया है। चाइना एंड पाकिस्तान वर गिवन इनविटेशन, जबकि 2018 और 2019 वाली में पाकिस्तान को इनविटेशन था, चाइना को इनविटेशन नहीं था, ठीक है। तो पाकिस्तान ने तब भी जो है 2018 और 2019 वाली मीटिंग नहीं अटेंड की थी, वो इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया वहाँ पे प्रेजेंट होगा तो हम उसे अटेंड नहीं करेंगे। बट इस बार भी एक अच्छी और एक मेच्योरिटी दिखाते हुए, एक अच्छी डिप्लोमेसी दिखाते हुए जो है इंडिया ने इनवाइट जो है एक्सटेंड किया था टू बोथ चाइना एंड पाकिस्तान, बट एज यूजुअल दे डिड नॉट अटेंड द पर्टिकुलर मीटिंग। चलिए, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। इंडिया टू वर्क टूवर्ड्स जीरो एमिशन कार्स बाय 2040। अब जीरो एमिशन कार्स कौन सी होती हैं? तो देखिए, आज के टाइम में जो हमारी कार्स हैं वो फॉसिल फ्यूल पे काम करती हैं, आपको भी पता है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल से की कंबशन से जो हमें निकलता, हमें मिलता है वो है CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी तो कंज्यूम हो जाती है और CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। तो उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया ने कहा है कि बाय टू थाउजेंड सॉरी बाय 2040 वी विल बी शिफ्टिंग टूवर्ड्स जीरो एमिशन कार्स, यानी ऐसी कार्स जो कोई भी यानी कार्बन डाइऑक्साइड या अदर ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट नहीं करेंगी। सो दैट मींस आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस बचती हैं, अगर हम एक लेमन व्यू से भी देखें तो पहली ऑप्शन आपके पास होती है इलेक्ट्रिक कार्स की, ठीक है, जो ऑप्शंस आपके पास आज अवेलेबल हैं। सो फॉर दैट यू हैव गॉट टाटा, यू हैव गॉट महिंद्रा, अगर मैं होम ग्रोन ब्रांड्स की बात करूँ, इंटरनेशनल ब्रांड्स में आपके पास टेस्ला है, ठीक है, काफ़ी फेमस है टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार्स, क्योंकि वो प्रोड्यूस ही सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स करती है। इनफैक्ट अब तो टोयोटा ने भी जो है इलेक्ट्रिक कार्स बनानी शुरू कर दी हैं, राइट, जो जापानीज कंपनी है। एंड यू विल सी अदर सिमिलर ब्रांड्स जो हैं वो भी यहाँ पे एफर्ट डालेंगे। यू यू कैन हैव लग्जरी ब्रांड्स लाइक BMW एंड मर्सिडीज, दे आर ऑल्सो सेइंग कि वी विल प्रोड्यूस वॉट यू कैन से इज इलेक्ट्रिक कार। इसके अलावा दूसरी ऑप्शन आपके पास होती है हाइड्रोजन बेस्ड, ठीक है, दूसरी ऑप्शन आपके पास है हाइड्रोजन बेस्ड, जिसमें अगेन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी होगी, तो उसमें आप हाइड्रोजन जो है एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे और उसकी कम्बशन के बाद जो आपको मिलेगा वो मिलेगा बेसिकली वाटर, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट दे आर ट्राइंग। तो इस ये जो है हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल्स कार, तो ये अभी बहुत जो है आप कह सकते हैं लिमिटेड है पहली बार, क्योंकि हाइड्रोजन रॉ फॉर्म में मिलना या फ्यूल की फॉर्म में मिलना, इस प्रोसेस को अभी कमर्शलाइज नहीं किया गया है। एंड इट इज़ स्टिल वेरी एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू ऑब्टेन हाइड्रोजन इन इन द फॉर्म कि उसे फ्यूल की तरह यूज़ किया जा सके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेन्स भी हैं, देर आर अदर शिप्स ऑल्सो विच आर वर्किंग ऑन हाइड्रोजन, बट यहाँ पे कार्स को कम्प्लीटली उस पर लेके जाना, उसमें थोड़ी अभी जो है डेवलपमेंट बाकी है, विद द टाइम ही आएगी। मोर ओवर हाइड्रोजन जो है उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहता है कि अगर वो ठीक से हैंडल ना हुआ तो वो ब्लास्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो बिकॉज हाइड्रोजन की जो कम्बशन है वो काफ़ी फास्ट होती है और उसमें से एनर्जी जो है कंटेंट काफ़ी ज़्यादा निकलता है। सो दिस इज़ वॉट। तो इंडिया ने फाइनली 30 और कंट्रीज के साथ यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो वहाँ पे अभी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हो रही है ग्लासगो में, तो उसी की साइडलाइंस पे इंडिया ने एक डिक्लेरेशन साइन की है। उस डिक्लेरेशन में इंडिया के साथ 30 कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इन सब कंट्रीज ने यही कहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें जो कार्स होंगी, जो पैसेंजर कार्स होंगी, ठीक है, उनको हम जो है जीरो एमिशन की तरफ ले जाएंगे बाय 2040, और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी। देखो, कुछ साल पहले इंडिया ने कहा था कि हम जो है ना बाय 2030 100% जो हमारी कार्स होंगी वो जीरो एमिशन होंगी, बट लेटर ऑन ड्यू टू टेक्नोलॉजी के, आप कह सकते हो रिक्वायरमेंट्स की वजह से, या आप कह सकते हो कि लिमिटेशंस की वजह से, ओवर द पीरियड इट वाज रियलाइज्ड कि 2030 तक 100% करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो इस टारगेट को फिर रिवाइज किया गया था, ये जो 2030 तक टारगेट था इसको रिवाइज किया गया, और रिवाइज करके जो नया टारगेट आया है, तो द न्यू टारगेट सेज
कि उसमें टाइमलाइन तो सेम रखी है दैट बाय 2030 वील हैव, जस्ट अ मिनट, बाय 2030 वी विल हैव एटलीस्ट 30% ऑफ ऑल पैसेंजर व्हीकल्स जिसको हम पीवी कहते हैं एंड 70% ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स जिसको हम सीवी कहते हैं, ठीक है, 30% ऑफ पैसेंजर व्हीकल एंड 70% ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स जो जीरो एमिशंस होंगे बाय 2030, ठीक है। अब वो हाइड्रोजन बेस्ड हो या इलेक्ट्रिक हो, दैट डिपेंड्स अपॉन कि उस टाइम तक टेक्नोलॉजी कितना डेवलप कर जाती है और हमारे पास क्या ऑप्शंस रहती हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि आपको पता है हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द ग्रेट नितिन गडकरी साहब, तो उन्होंने कहा है कि आप 2-3 साल में देख लीजिएगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट जो है एक डेवलप कर दूंगा और 2032 या 35 तक आई इट विल बी माई बेस्ट, मतलब इट विल बी माई एफर्ट कि मैं रोड से डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स हटा ही दूं, ठीक है। अब दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि इस ये जो अग्रीमेंट्स या ये जो डिक्लेरेशन साइन हुई है ये कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज पे दिया गया और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो लेकिन और लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी डिक्लेयर करना और उसकी तरफ एक एफर्ट्स मारना, तो ये दिखाता है कि हाउ सीरियस वी आर विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो जीरो एमिशन व्हीकल्स जो हैं वो इंडिया का अब टारगेट रहेगा बाय 2040, ठीक है। नाउ अगेन इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग, वी हैव जस्ट डिक्लेयर्ड इट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। हाँ जी, तो अब जो हमारी इन्फ्लेशन है वो कम हो गई है, जो इस महीने निकल के आई है जो इन्फ्लेशन, दैट इज़ नॉट एज हाई एज इट वॉज प्रीवियसली, ठीक है। तो अब की बार जो इन्फ्लेशन निकल के आई है वो 4.4 के अराउंड निकल के आई है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो ये आरबीआई के टारगेट रेंज में ही है। देखिए आरबीआई जो है ना वो, मैं आपको बता दूं, मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी में जो टारगेट होता है वो होता है इन्फ्लेशन का, कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है और इन्फ्लेशन के बिहाफ पे ही आप मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करेंगे। अब इन्फ्लेशन कितनी रखनी है, तो इन्फ्लेशन आरबीआई ने कहा था कि हमें 4% रखनी है प्लस माइनस 2%, यानी जो आपकी मिनिमम इन्फ्लेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2% और जो मैक्सिमम इन्फ्लेशन होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए 6%। अगर ये 6 से बियॉन्ड जाती है और 2 से बिलो जाती है तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को अकॉर्डिंगली इफेक्ट देगा। तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी क्वालिटेटिव टूल्स और क्वांटिटेटिव टूल्स के अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट होगी आरबीआई उसमें चेंजेस करेगा। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एक्सेट्रा, तो ये सब जो आरबीआई की जो मेथड्स हैं टू कंट्रोल दी यू नो इन्फ्लेशन, तो आरबीआई उसको जो है एक्शन में लेके आएगा। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली है वो ये है कि इन्फ्लेशन कितने टाइप की होती है। तो देखिए इन्फ्लेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती है। एक होती है होलसेल प्राइस इंडेक्स की इन्फ्लेशन, एक होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की इन्फ्लेशन। तो पहले आरबीआई जो रेट्स वगैरह डिसाइड करती थी या मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती थी वो विद रिस्पेक्ट टू होलसेल प्राइस करती थी, लेकिन वो आज नहीं है। आज के टाइम पे जो यूज़ होती है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी जो मार्केट, यानी इसको रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं सीपीआई को। तो न्यूज़पेपर्स में आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्फ्लेशन टर्म यूज़ की जाती है। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 2 से 6% के बीच बीच में रहनी चाहिए। अब ये जो रिटेल इन्फ्लेशन होती है ये फर्दर जो है दो तरीके की होती है, एक होती है कोर इन्फ्लेशन, एक होती है हेडलाइन, ठीक है। तो जो कोर इन्फ्लेशन होती है वो अभी भी हायर ब्रैकेट में चल रही है और इसीलिए जो है इट इज़ अ कॉज ऑफ वरी, ठीक है। तो स्टिकी कोर इन्फ्लेशन हेडलाइन में ही आप देख सकते हैं अ कंसर्न। तो ये कोर इन्फ्लेशन होती क्या है आप ये समझिए। कोर इन्फ्लेशन में बेसिकली आपके फूड आइटम्स जितने भी हैं, ठीक है,
और उसके साथ साथ आपके फ्यूल आइटम्स, इनको निकाल दो, इन दोनों को निकाल दो। देखिए सीपीआई जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जैसे आपके रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बिजली, पानी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उन सब में जो प्राइस चेंजेस होते हैं, उसमें आपके खाने की चीज़ें भी आते हैं, उन सब में जो प्राइस चेंजेस होते हैं उसके बेस पे सीपीआई कैलकुलेट की जाती है। अब इस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में से अगर हम ये दो कैटेगरीज के प्रोडक्ट निकाल दें, फूड आइटम्स जितनी भी हैं वो निकाल दें और फ्यूल आइटम्स जितनी हैं वो निकाल दें, तो जो हमारे पास बचता है उसकी जब हम इन्फ्लेशन पर जो रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नोन एज द कोर इन्फ्लेशन। ये कोर क्यों है? क्योंकि ये जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते। देखिए मंडी में जब भी आप जाते हैं सब्जी वगैरह लेने, तो आपने आई एम श्योर अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये देखा होगा कि जो भी वहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, उनके जो रेट्स हैं वो ऑन अ रेगुलर बेसिस चेंज होते रहते हैं। हर 2 या 3 दिन में 1-2 रुपये का फर्क आ ही जाता है, ठीक है। तो फ्यूल में भी ऐसे ही है, फ्यूल के भी रेट जो है अब हर रोज चेंज होते हैं। तो इसीलिए जो है इन दोनों को बाहर निकाल दिया जाता है, इन दोनों आइटम्स को बाहर निकाल दिया जाता है, और जो बचता है वो कोर, क्योंकि आपकी जो कोर है वो हमेशा सॉलिड रहती है, वो स्टेडी रहती है। हेडलाइन जो है, यानी अगर ये आइटम्स दोनों सपोज करो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर भी जाते हैं, तो ये ओवरऑल सीपीआई को ऊपर खींचेगी, ऊपर की तरफ पुल करेंगी। अगर ये दोनों डाउन जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये सीपीआई को नीचे की तरफ पुल करेंगी। कोर जो है वो अपनी जगह स्टेडी रहेगी, ठीक है ना। तो कोर इसीलिए इसका नाम होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, की इससे ऊपर नहीं जा सकती। आपकी जो हेडलाइन होती है, यानी आपका जो सर है, सर के ऊपर अगर आप स्केल रख के दीवार पे एक निशान लगाओ, तो उससे ऊपर आपकी हाइट नहीं जा सकती, अंटिल और अनलेस आप जो है ऊंची हील के जूते ना पहन लो, ठीक है। तो स्कैम करने को तो कुछ भी हो जाता है, बट अगर हम लॉजिकली बात करें तो हेडलाइन से ऊपर आपका जो हाइट है वो नहीं जाती। तो इसीलिए जब फूड और फ्यूल के प्राइस भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं, तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन बन जाती है कि इससे ऊपर नहीं जा सकती है, तो मैक्सिमम इन्फ्लेशन। तो आरबीआई यहाँ पे कंसर्न इसलिए है क्योंकि जो कोर इन्फ्लेशन है, यानी जो रियल पार्ट है, वो ही थोड़ा हायर ब्रैकेट में है, और इसीलिए जो है अब आरबीआई आने वाले टाइम में हो सकता है अपनी जो पॉलिसी है वो इसी हिसाब से चेंज करे। ऑलराइट, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। गवर्नमेंट का जो लर्निंग सर्वे है वो गवर्नमेंट कल कंडक्ट करने वाली है, या आई गेस हाँ फ्राइडे को कंडक्ट करने वाली है। दैट इज़ आज जो है थर्सडे है, 11th of November को, तो कल जो है 12th of November को फ्राइडे है। तो गवर्नमेंट ने एक नेशनल असेसमेंट या नेशनल अचीवमेंट सर्वे कंडक्ट कराना है। अब ये कंडक्ट क्यों करा रही है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? तो देखिए एनएएस जो कंडक्ट होगा, ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बॉक्स में लिखा हुआ है कि ओरिजिनली ये पिछले साल नवंबर अक्टूबर में होना था, बट 1 साल पोस्टपोन कर दिया क्योंकि सेकेंड वेव जो है वो आ रही थी, किसकी? कोरोना वायरस की। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए उसको माइंड में रखते हुए इसे 1 साल पोस्टपोन कर दिया। इसके थ्रू बेसिकली ये देखना क्या चाहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से, ठीक है, और स्कूल शटडाउन की वजह से जो है लर्निंग पे कितना इफेक्ट पड़ा है। तो वो क्लास 5, थर्ड 5, 8 एंड 10th, इनके बच्चों को जो है एक पर्टिकुलर टेस्ट देंगे। उस टेस्ट में जो जो बच्चे जितना स्कोर करेंगे उसके बेसिस पे जो है वो गवर्नमेंट बताएगी, देखना देखना चाहेगी कि इनका, यानी लॉकडाउन का, शटडाउन का कितना इफेक्ट पड़ा है इंडिया की एजुकेशन पे, एजुकेशन क्वालिटी पे और बच्चों के लर्निंग आउटकम से। क्योंकि अल्टीमेटली एजुकेशन कितनी अच्छी है उसका हमें पता लगता है बच्चों के लर्निंग आउटकम से। सो फॉर दिस द गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंडक्ट ऑन 12th of November अ नेशनल अचीवमेंट सर्वे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई है कि तमिलनाडु जैसी स्टेट जो है वहाँ पे फ्लड्स आ रखे हैं, ठीक है। बहुत सारी स्टेट्स में अभी भी जो है स्कूल वॉलेंटरी है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे स्कूल ओपन ही नहीं हुए हैं,
ठीक है, तो उस वजह से जो है अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्या जो ये सर्वे कंडक्ट किया जाएगा ये कितना इफेक्टिव रहेगा। सो बेसिकली ये सर्वे कंडक्ट कौन करवा रही है, ये सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो कंडक्ट करा रही है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ये कंडक्ट करा रही है इंडिया के सभी 733 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें से टोटल उन्होंने एस्टिमेट लगाया था कि 38 से लेके 39 लाख स्टूडेंट्स तक जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। स्कूल्स को जो है रैंडमली सिलेक्ट किया गया था, बच्चों को जो है टेस्ट देना। अब यहाँ पे तमिलनाडु में फ्लड्स हैं, स्कूल वॉलेंटरी है, तो स्टूडेंट्स, और कुछ जगह पे जो है जैसे बिहार में जो है टीचर्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो छठ पूजा की वजह से छुट्टी पे जा रखे हैं। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे लॉजिस्टिकल या आपका सैम्पल साइज के अकॉर्डिंगली जो है प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए अब ये सर्वे कितना इफेक्टिव होगा ये कंडक्ट होने के बाद ही पता लगेगा। सो दैट इज़ वाई इट वॉज अ न्यूज़, एंड द रेड हेडलाइन जो है वो कुछ इस तरह से है, गवर्नमेंट्स लर्निंग सर्वे टुमारो, स्कूल फेसेस कोविड चैलेंजेस। ठीक है, चल लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। पाकिस्तान टू होस्ट तालिबान, US, रशिया, चाइना। अब ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पे भी बात आ रही है अफगानिस्तान टॉक्स की। तो अभी अभी इंडिया में क्या हुआ था, तो मैंने आपको बताया इंडिया में क्या हुआ था, मॉस्को फॉर्मेट, ठीक है, जो डायलॉग हुआ वो मॉस्को फॉर्मेट था। अब पाकिस्तान में जो हो रहा है, तो मैंने आपको, अगर अभी आपने वीडियो में पीछे ध्यान दिया होगा, तो मैंने आपसे बात की थी ट्रोइका टॉक्स की। तो ये जो ट्रोइका टॉक्स हैं ये इस बार पाकिस्तान होस्ट करने वाला है, और इसी ट्रोइका टॉक्स में जो पार्ट लेने वाले हैं वो कौन कौन से कंट्री हैं, पाकिस्तान, चाइना, US, रशिया, प्लस तालिबान को खुद को इनवाइट किया गया है। तो ये ट्रोइका टॉक्स भी काफ़ी पुरानी है, लेकिन इस बार जो होस्ट कर रहे हैं वो है मियां पाकिस्तान खुद। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखिए कल ही हमारे यहाँ NSA लेवल के डायलॉग्स हुए हैं, और रशिया जो है रशिया ने उसे अटेंड किया है। चलिए वहाँ पे चाइना नहीं था, US नहीं था, US को हमने नहीं बुलाया था। वो तो मैं आपको वीडियो में उस टाइम उस टॉपिक को डिस्कस करते हुए बताया था कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि इस जो फॉर्मेट है इसको, इस मीटिंग को एक्सपेंड किया जाए, और मे बी US में ऑल्सो भी इन्वाइटेड नेक्स्ट टाइम जो है US को भी इन्वाइट किया जाएगा जो इंडिया ने टॉक्स होस्ट की थी। लेकिन जो ये ट्रॉय का फॉर्मेट है ये रशिया में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और इसमें US ऑलरेडी इन्वाइटेड है, US आया था। तालिबान को हमने नहीं बुलाया था, क्यों नहीं बुलाया था हमने तालिबान को, मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ जो दिल्ली वाली मीटिंग है और पाकिस्तान वाली मीटिंग है। तालिबान को हमने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उसमें जितने कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया उनमें से किसी भी कंट्री ने तालिबान की गवर्नमेंट को रिकोगनाइज़ नहीं किया है। तो तालिबान को एज अ यू नो रिकोगनाइज पार्टी बुलाना वुड हैव बीन अ डिप्लोमेटिक ब्लंडर। तो इसीलिए इंडिया ने वहाँ पे जो है तालिबान को इनवाइट नहीं किया, और करना भी नहीं चाहिए, दे बिकॉज दे आर नॉट देयर बाय चॉइस, दे आर देयर बाय फोर्स। ठीक है, तो वो लोगों की विल या लोगों की चॉइस की वजह से अफगानिस्तान को रूल नहीं कर रहे हैं, वो अब फोर्स की वजह से और US के ब्लंडर्स की वजह से जो है वहाँ पे अफगानिस्तान में अपना रूल चला रहे हैं, और कैसा चला रहे हैं दिस इज ऑल्सो वेरी ओपन। ठीक है, तो दिस हेयर यू कैन सी दिस इज द गाय, अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, इनका नाम है आमिर खान मुत्ताकी। ठीक है, और इस्लामाबाद जो है ये पहुंचे हैं, और इस्लामाबाद जो है इस बार ये ट्रोइका टॉक्स को जो है होस्ट कर रहा है। ठीक है, एंड लेट्स सी क्या आउटकम आता है। दिल्ली में जितने हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है और जो हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री है वो सब जो है बहुत क्लोजली इसे मॉनिटर करेंगे। अच्छा, एक और बात बता दूं कि ये जो दिल्ली में सारी मीटिंग हुई थी इसको होस्ट, इसको ऑर्गेनाइज किया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट ने, NSCS। तो इंडिया की जो
इंटेलिजेंस एजेंसी है आज के टाइम में कौन कौन सी है, क्या क्या उसका काम है, ठीक है? देर इज़ IB, देर इज़ रॉ, देन देर इज़ NTRO, ठीक है, एंड देन देर इज़ NSCS, NSAB होता है। इन सब के लिए जो है मैं एक सेपरेट से लेक्चर सीरीज बनाऊंगा, यू कैन वॉच दैट। तो अगर आप अपने किस ICIO के लिए या फिर SSBs के लिए, जो आर्म्ड फोर्सेस के SSBs होते हैं उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आई एम डेड श्योर कि दीज विल रियली रियली हेल्प यू अ लॉट। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगा कि आप अगर UPSC मेंस में अगर आपको इसके लिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए टॉपिक प्रिपेयर करना है, तो ऑल दो मैं आपको उस UPSC लेवल पे नहीं लेके जा सकता, बट हाँ मैं आपका बेस इतना सॉलिड फाउंडेशन बना दूंगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आंसर राइटिंग में, ठीक है? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट जो है न्यूज़ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये न्यूज़ है कि USA ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो ज्वाइन कर लिया है एज अ 101st मेंबर, ठीक है? तो ये यू कैन सी USA joins इंडिया लेड ग्लोबल सोलर अलायंस। तो यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं, ये ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सॉरी वो हैं, क्या बोलते हैं आप, करता था यानी हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर मिस्टर भूपेंद्र यादव, और ये हैं मिस्टर जॉन कैरी जो स्पेशल प्रेसिडेंशियल ऑनवाय हैं फॉर क्लाइमेट चेंज। अगर आपको याद हो तो इस साल अप्रैल 2021 में ये इंडिया आए थे फॉर द सेम पर्पस, क्लाइमेट चेंज पे बात करने के लिए, ठीक है? सो हेयर यू कैन सी आर एनवायरनमेंट मिनिस्टर एज वेल एज द स्पेशल प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑन क्लाइमेट चेंज बाय द US एक्सचेंजिंग द अग्रीमेंट। तो USA ने एज अ 101st मेंबर ऑफ ISA ज्वाइन किया है। अब ISA क्या है, तो अगर आपको याद हो तो 2015-16 में इंडिया और फ्रांस ने मिलके ISA स्टार्ट किया था, इंडिया एंड फ्रांस। इसका हेडक्वार्टर्स जो है ISA का, हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है, ठीक है? तो इट इज़ एन इंडिया लेड इंटरनेशनल बॉडी जिसमें 101 मेंबर्स जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं। इनिशियली ISA को यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो है सिर्फ ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के लिए रखा गया था, यानी सनशाइन कंट्रीज़ का नाम दिया गया था, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के बीच में जो कंट्री आ रहे हैं उनके लिए। लेकिन वो बाद में डिमांड को माइंड में रखते हुए और रीच को माइंड में रखते हुए डिसाइड किया गया कि इट विल बी ओपन फॉर ऑल द कंट्रीज इंटायर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल के बीच में आने वाले कंट्रीज़ के लिए नहीं बट सारे कंट्रीज़ के लिए जो भी इसे ज्वाइन करना चाहता है। तो इन्होंने यहाँ पे अपनी अच्छी एक विजन दी है, और विजन ये है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको जो आ सकता है कि ISA के एग्ज़ाम में कि ISA के DG कौन है, तो आप याद रखिएगा ISA के जो DG हैं वो है मिस्टर अजय माथुर, ठीक है? ISA के जो DG हैं यानी डायरेक्टर जनरल वो है मिस्टर अजय माथुर, ठीक है? तो ISA का वो क्या है, विजन क्या है? तो ISA का विजन ये है कि बाय 2030 कम से कम $1 ट्रिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट हो जानी चाहिए इन सोलर एनर्जी। यस, $1 ट्रिलियन, ठीक है? तो ये ISA का विजन है, और इससे जो है ये अब सोलर एनर्जी से बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सोलर एनर्जी के बेनिफिट ये हैं कि एक तो रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, तो इसका कोई एमिशन नहीं है। दूसरा, इट रिक्वायर्स इंजीनियरिंग, तो जॉब्स अच्छी क्रिएट होती हैं, ठीक है? थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी इससे आपको करने को मिलती है। फिर उसके बाद मेंटेनेंस में आप जॉब जो है वो सस्टेन भी कर सकते हो, प्लस आप स्किल डेवलपमेंट भी यहाँ पे कर सकते हो। तो ओवरऑल जो है इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, राइट? तो USA हैज़ ज्वाइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज 101st मेंबर। लेट्स मूव ऑन टू द
नेक्स्ट न्यूज़। यस, अब हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, CCEA, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? सो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के चेयरमैन होते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में एट प्रेजेंट 6 कैबिनेट कमेटीज़ हैं, जिनमें से 2 को छोड़ के बाकी सब के जो चेयरमैन हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। अब ये 2 कौन सी हैं? एक कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन है और दूसरी कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स है। दोनों के जो चेयरमैन हैं वो मिस्टर राजनाथ सिंह हैं। तो इन्होंने जो है एथेनॉल प्राइस, उसको उसके प्राइस में जो, यानी जिस प्राइस पे एथेनॉल खरीदा जाएगा उसमें जो है इंक्रीज कर दिया है। कितना? ₹1.47 पर लीटर का फॉर द ईयर 2021-22 मार्केटिंग ईयर। ठीक है, जो कि दिसंबर से स्टार्ट होगा। अब इससे बेनिफिट क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये न्यूज़ क्यों बना? पहली बात याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चला रखा है। हेयर यू कैन सी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, जो कि टारगेट कर रहा है कि बाय द ईयर 2025 हमारा जो पेट्रोल है उसमें कम से कम 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है। ठीक है, नाउ 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग से क्या हो जाएगा? तो 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग से फ़र्क ये पड़ेगा कि हर 1 लीटर पेट्रोल के लिए जो है हमें 200 ml क्रूड ऑयल हमारा बचेगा। 200 ml क्रूड ऑयल बचेगा तो दिन में कितना हमारे इंडिया में कंज्यूम होता होगा पेट्रोल, उसको उतने लीटर्स को इंटू 200 ml कर लो। तो यानी जो हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल है, जो इस टाइम करीब करीब रफ, मतलब एक रफ एस्टिमेट आपको दे रहा हूँ, जो इस टाइम करीब करीब $160 बिलियन है। यस, $160 बिलियन, ऑलमोस्ट 2.5 times आर डिफेंस बजट। हमारा इंडिया की पूरी डिफेंस का जो बजट है ना, उसका 2.5 times है। ये हमारा इम्पोर्ट बिल है, इतना जो है ऑयल हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है हर साल। ठीक है, और इसी वजह से जो है हमारे यहाँ पे पेट्रोल इतना महंगा मिलता है, और इसी वजह से गवर्नमेंट जो है पेट्रोल को इतना महंगा रखती है कि लोग उसे कम से कम यूज़ करें, ताकि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है ये कम हो। तो अगर इसको हम इसका हम 20% भी सेव कर लेते हैं, तो इसका अगर हम 20% निकालें तो इट कम्स आउट टू बी $32 बिलियन। अगर हम 20% ब्लेंडिंग करके 20% ये सेव कर लेते हैं तो इट कम्स आउट टू बी $32 बिलियन। अब मैं रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो कि जी सारे के सारे क्रूड ऑयल में से सिर्फ पेट्रोल नहीं निकलता, डीजल भी निकलता है, ATF भी निकलता है। अगेन आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ एस्टिमेट। सो अगर 20% ना भी सही, अगर हम 15% भी करते हैं तो भी हमारा $24 बिलियन आता है। $24 बिलियन इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट दैट कैन बी सेव्ड एवरी ईयर। हर साल आप $24 बिलियन सेव कर सकते हैं। तो यही गवर्नमेंट का प्लान है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि एथेनॉल का जो प्राइस है, खासकर जो शुगर केन से बनाई जाएगी, ठीक है, फॉर ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, वो हम इंक्रीज करेंगे। तो अभी जो है आपको पेट्रोल जो मिलता है वो होता है E10, दैट मीन्स उसमें 10% एथेनॉल है। ई स्टैंड फॉर एथेनॉल, 10 मीन्स द परसेंटेज विच इज ब्लेंडेड। तो E10 से E20 की तरफ जाना है। ठीक है, E10 से E20 की तरफ जाना है। तो उससे क्या होगा, अगेन सेविंग्स होंगी, प्लस जो हमारे शुगर केन फार्मर्स है, अब सारे के सारे शुगर केन से आप चीनी नहीं बना सकते। यू कैन नॉट मेक शुगर आउट ऑफ ऑल द शुगर केन्स, बिकॉज उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा ग्लट आ जाता है मार्केट में। ग्लट यानी ओवर सप्लाई हो जाती है, और उसकी वजह से जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा डाउन चले जाता है, और अल्टीमेटली फार्मर जो है उसी को ही नुकसान होता है। प्लस कभी भी अगर आप शुगर मिल किसी फार्मर से पूछेंगे तो उन्हें इमीडिएट पेमेंट नहीं मिलती है। शुगर केन अगर चीनी मैन्युफैक्चरिंग करवाने के लिए आप शुगर केन बेच के आए हो तो इमीडिएट पेमेंट नहीं आती है। लेकिन अगर आप एथेनॉल के लिए दे के आए हो, और जो एथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं वो इमीडिएट पेमेंट करती हैं, और पेमेंट जो है वो एक
काइंड ऑफ उसमें प्राइस डिक्लेयर्ड होता है पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे जिस जिस प्राइस पे पेमेंट फार्मर को मिलती है। सो इट इज़ बेनिफिशियल कि फार्मर को इमीडिएट पेमेंट भी मिलती है और जितनी शुगर के लिए मिलती है उससे ज़्यादा मिलती है। सो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। गवर्नमेंट सेव्स द मनी जी, क्योंकि उनका इम्पोर्ट बिल बच जाता है, ठीक है। फार्मर गेट्स द मनी क्योंकि उनको इमीडिएट पेमेंट मिल जाती है और हायर पेमेंट मिलती है। तो इससे जो है, और हमारी जो एमिशंस होती हैं एथेनॉल और पेट्रोल से जो एमिशंस होती हैं डेंजरस पोल्यूटिंग गैसेस की, वो भी कम हो जाती है और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको भी कुछ हद तक बेनिफिट मिलता है। जो सल्फर जो गैसेस निकलती है और नाइट्रोजन गैसेस निकलती हैं, सल्फाइड ऑक्साइड्स निकलते हैं और नाइट्राइड ऑक्साइड्स निकलते हैं, वो सब जो है कम हो जाते हैं क्योंकि एथेनॉल से जो है एमिशंस कम हो जाती हैं। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। अगर आपको अभी भी किसी चीज़ में डाउट है तो आई विल आस्क यू कि आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। एंड वन थिंग मोर, मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो इट इज़ सबसे पहले तो बहुत थैंक यू। दूसरी चीज़, आई विल स्टिल सजेस्ट कि आप प्लीज़ 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 एक बार जितनी यहाँ पे न्यूज़ डिस्कस हुई हैं न्यूज़पेपर में से, एक बार चाहे सॉफ्ट कॉपी चाहे हार्ड कॉपी, वॉट एवर यू हैव विद यू एंड विच एवर वे यू आर कन्वीनियंट विद, आप उसे एक बार पर्सनली रीड ज़रूर कीजिएगा। चाहे आप सिर्फ यही 7 न्यूज़ रीड कीजिए, आपको हार्डली आधा घंटा या 40 मिनट्स लगेंगे, बट दैट विल बी वर्थ इट। आप रीड ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये आपकी प्रेपरेशन को ऑगमेंट करेगा, रिप्लेस नहीं करे। न्यूज़पेपर को मैं री वीडियोज या कोई भी वीडियो फॉर दैट मैटर न्यूज़पेपर को रिप्लेस नहीं कर सकती, हाँ उसको जो है हेल्प कर सकती है, उसको ऑगमेंट कर सकती है। सो दैट विल बी माय सजेशन टू यू एज अ टीचर टू द स्टूडेंट्स। बाकी अगर आप कोई और टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो यू कैन अगेन यू कैन कमेंट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील डेफिनेटली ट्राई एंड मेक वन। इसके अलावा और कोई सजेशन है तो प्लीज़ दीजिएगा, ठीक है। कीप वॉचिंग वीडियोज, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल, कीप शेयरिंग। थैंक यू।